तो इस तरह वीडियो आप भी अपने मोबाइल से बना सकते हो, जैसे कि इंस्टाग्राम में बहुत ही ट्रेंड चला है वीडियो कार्टून फेस फिल्टर वीडियो, आप भी अपने मोबाइल से बना सकते हो। तो कैसे एडिटिंग करें मैं बताऊंगा आपको, और वीडियो के एंड तक देखना, और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करना, और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको प्ले स्टोर ओपन करना पड़ेगा और एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। उस एप्लीकेशन का नाम है स्नैपचैट। मैं स्नैपचैट सर्च करता हूँ, देख लीजिए, और स्नैपचैट को क्लिक करते हो और सर्च करते हैं। करने के बाद इस वाला लोगो है, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। अब मेरा ऑलरेडी डाउनलोड है, इसलिए मैं डाउनलोड नहीं करूँगा, मैं स्नैपचैट ओपन करता हूँ। स्नैपचैट ओपन करने के बाद इस तरह एक इंटरफेस आएगा। इसके बाद आपको इधर पे क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद आपको फिल्टर में जाना पड़ेगा और नीचे एक्सप्लोर है ना, एक्सप्लोर पे क्लिक करना और सर्च करना कार्टून। जिस फिल्टर में आप वीडियो बनाना चाहते हो उसका फिल्टर का नाम है कार्टून। कार्टून सर्च करिए, मैं कार्टून सर्च करता हूँ, और बहुत सारा इफेक्ट आपके पास आ जाएगा। अब पहले नंबर पे एक कार्टून किड है ना, उसको क्लिक करना। देखिए दोस्तों मैं क्लिक कर दिया, और वीडियो करने के लिए आपको प्रेस करना पड़ेगा इसको। मैं एक वीडियो कर लेता हूँ प्रेस करके। और इसको छोड़ देने के बाद आपको वीडियो रेडी हो जाएगा। और सेव करने के लिए इस नीचे में एक सेव ऑप्शन है, इसको क्लिक करना और आपके गैलरी में सेव हो जाएगा। मैं सेव कर लिया, और इसके बाद ऊपर में क्लोज कर देना। मैं क्लोज कर देता हूँ, और अब क्लोज कर देता हूँ, और एक फ़िल्टर का वीडियो शूट कर लेना। मैं एक फ़िल्टर का नाम लेता हूँ। अब डॉग पे भी कर सकते हो। मैं कर लेता हूँ बंदा नाम बोल के एक फ़िल्टर है, इसको सर्च कर लेता हूँ। और तीसरे नंबर पे एक फ़िल्टर है, इसको क्लिक कर देना बंदा नाम। देखिए इस फिल्टर को मैं इसको भी प्रेस करके वीडियो कर लेता हूँ। मेरा वीडियो तैयार हो गया, इसके बाद सेव कर लेता हूँ और ग्लर में सेव हो जाएगा। आप भी सेव कर लो और क्लोज कर लेना, बैक कर लेना, और मोबाइल स्क्रीन पे चलते हैं। तो दोस्तों मोबाइल स्क्रीन पे आने के बाद आपको दो एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। उस एप्लीकेशन का नाम है वीटा फर्स्ट और वीएन। एक वीएन एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा और वीटा। पहला काम है वीएन एप्लीकेशन में आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, इसके बाद वीटा को डाउनलोड कर लेना। मैं सबसे पहले वीएन को क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आपको ऐसे इंटरफेस आएगा। आने के बाद ऊपर में देखिए स्किप है, इसको क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद नीचे में प्लस आइकॉन है, इसको क्लिक कर देना। प्लस आइकॉन क्लिक करने के बाद इधर पे न्यू प्रोजेक्ट है, क्लिक कर देना, और स्नैपचैट में जो वीडियो शूट किया था वो वीडियो को ले लेना। मैं ले लेता हूँ इस वाले वीडियो को ले लेता हूँ, और तीर का निशान में क्लिक कर देता हूँ। देखिए, और इसका वॉल्यूम ना म्यूट कर देना। मैं वॉल्यूम को म्यूट कर देता हूँ और राइट पर क्लिक कर देता हूँ। और आपको एक सॉन्ग डाउनलोड कर लेना है, सॉन्ग मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप भी ले लेना। मैं सॉन्ग को क्लिक करता हूँ म्यूजिक में। म्यूजिक पे क्लिक करने के बाद आप इस वाला चूज़ कर लेता हूँ और इसको राइट में क्लिक कर देता हूँ। देखिए दोस्तों इस तरह वीडियो सॉन्ग लग जाएगा, और पीछे वाटर मार्क है, इसको डिलीट कर देना। डिलीट करने के बाद इसको थोड़ा स्लो मो कर देना। मैं स्लो मो कर देता हूँ, इधर पर स्लो मो कर दिया, राइट पे क्लिक कर देना। और प्लस आइकॉन पे क्लिक करने के बाद आपको इधर पे राइट स्क्रॉल करना पड़ेगा साइड में, और इधर पे एक लाइट इफेक्ट है, इसको क्लिक करना और इसको थोड़ा बढ़ा देना ड्यूरेशन पे। राइट पे क्लिक कर देना। देखिए आपका वीडियो तैयार हो गया। इसका और काम नहीं है, और आपको देखिए ऊपर में एक्सपोर्ट है ना, उसको क्लिक करना। उसके बाद वीडियो को सेव कर लेना। मैं वीडियो को सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद आपको वीटा एप्लीकेशन में जाना पड़ेगा। वीटा एप्लीकेशन ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद ऐसा इंटरफेस आएगा, और ऊपर पे न्यू प्रोजेक्ट है, इसको क्लिक करना, और आपका जो वीएन में एक वीडियो एक्सपोर्ट किया उसको क्लिक करना। मैं क्लिक कर देता हूँ, और इसको तीर का निशान में इसको क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद देखिए लोडिंग हो रहा है।
देखिए दोस्तों, वीडियो अब आ गया और सबसे पहले मुझको इफेक्ट देना पड़ेगा, ब्लर इफेक्ट। इसके बाद नीचे इफेक्ट है, इसको क्लिक करना और इधर पे इफेक्ट है, क्लिक करना। और साइड में स्क्रॉल करने के बाद देखिए ब्लिंक वाला ऑप्शन है, इसको क्लिक करिए। और इधर पे एक बॉक्स है ना, बॉक्स ब्रोक, इसको क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों मतलब फिल्टर लग गया आपके वीडियो पे। और राइट कर लेना, मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ उस फिल्टर को। और ओपन करना देखो, और सॉरी प्ले करना। और थोड़ा बड़ा देखो, इधर प्ले कर देखो। इसके बाद आपको एक काम करना पड़ेगा, इस वीडियो को क्लिक करने के बाद आपको इधर पे स्क्रॉल करना पड़ेगा नीचे साइड में, और इधर पे ऑल इफेक्ट है ना, ऑल इफेक्ट, इसको क्लिक करना पड़ेगा। इसके क्लिक करने के बाद लास्ट पे एक है ऑटो, ऑटो वाला, इसको क्लिक करने के बाद आपको अप्लाई कर देना। लोडिंग ले रहा है, आपका फिल्टर इसके अप्लाई हो गया। देखिए दोस्तों हो गया, इसके बाद राइट में क्लिक कर देना। आपका वीडियो रेडी हो गया। मैं थोड़ा सा फिल्टर को इधर पे खींच के बढ़ा देता हूँ। और आपको इधर पे साइड में एक बैक ऑप्शन है, इसको क्लिक करने के बाद आपको ऊपर पे एक स्पॉट है, इसको क्लिक कर देना और आपका वीडियो तैयार हो जाएगा।